हर घर तिरंगा नारे को लेकर श्रीनगर तिरंगा रैली का आयोजन हुआ है और उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पूरी रैली का नेतृत्व किया और इस रैली में जम्मू कश्मीर के सभी सुरक्षा बल सिविल ऑफिसर्स के साथ साथ जवानों ने जोश के साथ हिस्सा लिया। हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के तहत आज यहाँ श्रीनगर के SKIC से एक भव्य रैली निकली। आप देख सकते हैं LG मनोज सिन्हा तिरंगा लेकर इस यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है और ये तिरंगा यात्रा जो है यहाँ से निकल पड़ी और बॉटनिकल गार्डन तक जाएगी। आप देखिए हज़ारों की तादाद में इस यात्रा में जो है लोग शामिल हुए हैं, BSF, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के युवा बच्चे सब लोग तिरंगा लेकर जो है यहाँ से निकल रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के बोर्ड से तिरंगा यात्रा देखिए हर तरफ इस दल झील के किनारे। इस तरफ अगर हम देखें तो कश्मीरियाँ जो है भी निकल रही है, इसके साथ साथ आगे देखिए आप तिरंगा लेकर ये कश्तियां जो है जा रही है और एक भव्य तिरंगा रैली यहाँ देखने को मिल रही है। ये दृश्य आप देखिए जो SKICC से निकल रहे हैं, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं और ये यहाँ से लेकर जो है बॉटनिकल गार्डन तक जाएगी और जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा, हमने देखा कि पूरे कश्मीर के हर ज़िले से जो है तिरंगा यात्रा निकाली गई और आज 13 अगस्त को श्रीनगर से ये एक भव्य तिरंगा रैली जो है जिसका आयोजन हुआ है और इसका नेतृत्व जो है LG मनोज सिन्हा खुद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, Z Media, SKICC श्रीनगर। आज जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह भी श्रीनगर में तिरंगा रैली में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम आज तिरंगा रैली का हिस्सा बने। हमारे लिए और सब आवाम के लिए ये फख्र की बात है कि हम तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने हैं। पिछले साल भी आपने देखा था कि बहुत बड़ी तादाद में उत्साह के साथ लोगों ने इस तिरंगा रैली में हिस्सा लिया था। इस साल उससे भी बहुत बड़ी तादाद, हजारों की तादाद में नौजवान बच्चे बच्चियाँ और हमारे शहरियों ने इसमें हिस्सा लिया है। फोर्सेस के लोग, आर्मी, BSF, CRP, SSB, पुलिस, सारे जवान और सभी फोर्सेस के ऑफिसर मिलकर के इसमें हिस्सा ले रहे थे। ये बहुत खुशी की बात है जहां आवाम, फोर्स, लोग सब एक साथ हैं और सब अपने तिरंगा को सलाम कर रहे हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है, मुल्क के लिए फख्र की बात है। और इस बीच आइए सीधे अहमदाबाद चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे और अतुल वहां से रिपोर्ट करें। अतुल, तस्वीरें दिखाइए हर घर तिरंगा अभियान 2.0 का शानदार आगाज होता हुआ। बिल्कुल निधि, बात करें तो 2 दिन से गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। कल कच्छ में उन्होंने वो अलग अलग जो कार्यक्रम थे उसमें उपस्थित रहे थे, पर आज के दिन की अगर बात की जाए तो स्टेज तैयार है, इंतजार हो रहा है गृहमंत्री अमित शाह का और वो पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल के अंदर की तरफ। गृहमंत्री अमित शाह अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और खास करके बात की जाए तो जिस प्रकार से पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है तो ये कार्यक्रम के तौर पे लगभग 1.5 किलोमीटर तक एक यात्रा का भी प्रस्थान किया जाएगा और यहाँ से फ्लैग ऑफ गृहमंत्री अमित शाह भी करवाएंगे। BJP के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, श्रद्धा राजपूत, उनसे भी बात करेंगे। लगता है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आज से आगाज, क्योंकि सारे अहमदाबाद के जो विधायक हैं वो स्टेज पर उपस्थित हैं, सारे जो राज्यसभा लोकसभा के अहमदाबाद के सांसद हैं वो भी स्टेज पर उपस्थित हैं। गृहमंत्री स्टेज पर पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल, देश अपने आज़ादी के अमृत काल को मना रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कच्ची भव्य भव्य तिरंगा यात्रा और आप देख सकते हैं कितने तिरंगे हैं और इस देश के अंदर कलम 370 और 35A जिन्होंने दूर की है, वैसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह है। ये उनकी लोकसभा का एरिया है और आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और लोकसभा की तैयारी तो हो ही चुकी है और जिनकी लोकप्रियता हमेशा बढ़ी है वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस तिरंगा यात्रा के अंदर घाटलोडिया विधानसभा है, ये गांधीनगर लोकसभा है, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की लोकसभा है और आप देख सकते हैं कि माननीय अमित शाह जी की लोकसभा के अंदर तिरंगा यात्रा के अंदर लोगों का जो उत्साह है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब देश
अमृत काल में है, तो बहुत अच्छे से हम लोग इस तिरंगा यात्रा को मना रहे हैं। तो मैं मेरे सहयोगी अमित को भी कहूंगा आपको दृश्य बताएंगे। हर कोई कार्यकर के हाथ में तिरंगा झंडा देखा जा रहा है और लगभग 1.5 किलोमीटर जितनी जो यात्रा है उसका प्रस्थान गृह मंत्री अमित शाह कराएंगे। अगर इस भव्य तिरंगा यात्रा की बात करें तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आसपास जो कार्यक्रम स्थल है उसके आसपास के जो मकान है उसके ऊपर भी लोग अपने हाथों में तिरंगा लिए इंतजार कर रहे हैं इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो। और स्टेज की अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत जो आरोग्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और अहमदाबाद की अलग अलग जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा के जो विधायक हैं वो भी उपस्थित हैं। साथ में राज्यसभा सांसद की भी बात की जाए तो देख पा रहे हैं। जी न्यूज़ पर इस खबर पर नजर लगातार। जी